अभी कैनेडा रिएक्शन के बाद और कैनेडा रिएक्शन में मैंने कुछ और क्वेश्चन भी दिए होंगे आपको कैनेडा रिएक्शन में। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे दिया था मुझे जैसे थोड़ा सा याद है, पीएचसी डबल बॉन्ड ओ दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, और अगर इसको एनएच से रिएक्ट करेंगे तो अपन को पता है भाई एनएच है तो ओएच माइनस साइन होगा, ये इधर अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है, इसके पास भी राइट ना अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम। बोलो क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, देखता हूँ यार क्या बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा था, अभी बताओ। नहीं सर अभी ठीक है, क्या लिखा है थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है आज। नेम रिएक्शन लिखा था उसे, रुको रुको रुको, अच्छा नहीं ये वाला तो नेम रिएक्शन लिखा हुआ है, वो तो लाइट की वजह से वो है रिफ्लेक्शन, इधर वाला पार्ट ठीक दिख रहा है। एक बार सर कैमरा थोड़ा सा खोल दीजिए आप, तो सर मुझे लग रहा है कैमरे का कुछ सेटिंग वोटिंग कुछ ऐसे रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ देखते हैं अपन क्या है, वीडियो सेटिंग में देखते हैं कुछ अगर हो सकता है तो। एक मिनट रुको, नहीं मुझे लग रहा अभी तो और भी अच्छा नहीं है, पहले ही ठीक था इससे, एचडी सेटिंग ही रखते हैं, वजन को तो हटाते हैं और ऑलवेज वीडियो सेटिंग में एक मिनट देखते हैं। सही तो है मतलब एडवांस सेटिंग में क्या, एक मिनट रुको, वीडियो रेंडरिंग पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग विल बी डिफरेंट, पता नहीं क्या है, देखा तो है मैंने मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी तो मुझे भी लग रही थी अभी, तभी मैंने कैमरा साफ किया, रुको अपन मतलब ऐसे करते हैं एक मिनट रुको, अच्छा मैं अभी लिखूंगा तब तुम मुझे बताना। पीएच सी ओ एच एच आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए विल बी द पार्ट, अभी दिख रहा है ये वाला? हाँ सर अच्छे से दिख रहा है। हाँ तो यार मार्कर का प्रॉब्लम था। हाँ सर, तो अच्छे वाला मार्कर, अच्छा क्वालिटी का मार्कर है पेपर कैसल वाला, वो वो ऐसे लिख रहा है, और ये कैमलिन वाला अपन ने इंडियन मार्कर लिखा तो बढ़िया दिख रहा है। बंद करो, तो दूसरा क्वेश्चन अपन ने कैसे भी लिखा था सीएचओ, और एक अपन ने शायद ऐसे लिखा था, तो इसको अगर एनएच से रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों में से किसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बनाया, दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बनाया,
सर नीचे वाले को, क्योंकि उसका रेजोनेंस कराते अगर तो ज्यादा ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। अगर इसका रेजोनेंस कराते हैं ऐसे, तो इसका डबल बॉन्ड तो उधर भी कॉन्जुगेट होगा, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो उधर भी कॉन्जुगेट होगा, लेकिन इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर अपन चेक करें तो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मतलब इसमें कॉन्जुगेट नहीं होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसमें होगा। जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा OH उसी पर अटैक करेगा, और जिस पर OH अटैक करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड उसी का बनेगा, तो मुझे लगता है इसका बनना चाहिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका बनेगा और अल्कोहल इसका बनेगा, लो भाई हो गया है ना, ये अल्कोहल बना दिया, ठीक है ना, समझ में आया कैसे बताना था अपन को। दूसरा एक ऐसे भी दिया होगा फिर, CHO, CHO में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो एक का अपन एसिड बना देंगे और दूसरे को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। डी में अगर मान लो पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड है ऐसे दिया होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम तो इसमें भी नहीं है, लेकिन अपन पहले इसको NaOH से रिएक्ट करेंगे, तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा पहले। अब इसके बाद अगर आप रिएक्ट करोगे तो एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा। अभी एक एल्डिहाइड इसमें से दो मोल्स होंगे, इसके भी दो मोल्स होंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा और एक एल्डिहाइड एल्कोहल वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे बता देंगे अपन, एक मॉलिक्यूल में एसिड बन गया और दूसरे मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो ऐसे प्रोडक्ट बता सकते सर बी वाले में हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले पे ज्यादा है, फिर भी हमने एसिड ऊपर क्यों बना? हैं। मैंने कब बोला था? ये तो तुमने बोला था, मैं तो कैलकुलेट करूंगा, मैंने कब बोला कि इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? तुमने बोला था ये तो, मैंने तो कैलकुलेट करके दिखाया है भाई। अगर पॉजिटिव चार्ज आपने बोला कि नीचे वाले में ज्यादा है, तो मैंने कैलकुलेशन में इसमें ज्यादा दिखाया ना पॉजिटिव चार्ज, तो अंडरस्टूड है कि जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा बेटा अपन वहां प्रोडक्ट बनाएंगे। बताओ सर उसमें कैसे ज्यादा है, हम समझा रहे? इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डीरेगुलराइज करना। वो एक ही रिंग में रह रहा है। हाँ, और ये दो रिंग में डीरेगुलराइज है, हाँ समझा ना? ठीक है, नेम रिएक्शन में दूसरा नेम रिएक्शन अपन लिख सकते हैं, दैट इज बेयरविलिगर ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं। वैसे उससे पहले अपन को बेकमैन रीअरेंजमेंट लिख लेना, बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट में वी यूज्ड टू से दैट अब जितना भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा अपन को पता है क्या करना होता है, उसमें जो रिएक्टेंट गिवन होता है उसको रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाना है। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट में विल राइट दैट हमारे पास एल्डॉक्साइन्स होंगे, इनको अपन एसिड के साथ एच प्लस आइन या फिर लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये अपन को एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन्स देंगे, ये अपन को एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन्स देंगे। वो कैसे? तो अपन बताएंगे भाई एल्डॉक्साइन मतलब आप ऐसे बताने वाले हो, एल्डॉक्साइन क्या मतलब? एल्डॉक्साइन होंगे तो एसिड देगा और कीटोक्साइन लेना पड़ेगा, एल्डॉक्साइन होगा तो हाइड्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो अपन देख लेंगे नोट करके, कीटोक्साइन लेना पड़ेगा। तो कीटोक्साइन में आई विल राइट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ एक्चुअली, मेरे कंसेप्ट भी हो जाए और एग्जांपल भी बन जाए, इसलिए थोड़ा सोच लेते हैं अपन कि कैसे बनाते हैं, है ना, जो कंसेप्ट अपन को बताना है वो भी हो जाए और अपना काम भी हो जाए। तो इसमें एच प्लस आइन लिखते हैं भाई, एच प्लस आइन के साथ रिएक्ट, और जब भी एच प्लस आइन लिखेंगे ना, इट इज ऑलवेज डाइल्यूट एच2ओ सब। अगर आपने H+ आयन लिखा हुआ है तो वो डाइल्यूट H2SO4 है आपका,
तो इसमें रीअरेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको OH को CH3 को यहां लगा दूंगा, मतलब इसका रीअरेंजमेंट मैं ऐसे कर लूंगा, ये इस पर अटैक करेगा। तो अपन मैकेनिज्म की बात ही नहीं कर रहे, अपन तो बात कर रहे हैं कि भाई आप ना रीअरेंज करके बता दो। तो मैंने OH इस पे लगा लिया और CH3 इस पे लगा लिया, और ये C2H पे कैसे करना, मतलब आपने क्या किया कि CH3 को यहां शिफ्ट कर दिया और OH को यहां शिफ्ट कर दिया, ये कर दिया। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन गया C2H5 एंड इधर हो जाएगा C और डबल बॉन्ड N और इस पे हो जाएगा OH, इस तरफ लिख देते हैं, और इस पे आ गया CH3, ये बन गया इनोल अपने पास। मैं इसका टॉटोमेरिज्म कर लेता हूं, इधर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रो इसको दे दूंगा, तो मेरे पास बनेगा C2H5 और C डबल बॉन्ड ओ एन एच एस पे आ गया और CH3। तो एन मिथाइल अपने पास बन गया एन मिथाइल प्रोपनामाइड, जो अपने पास कंपाउंड बनेगा ना दैट विल बी एन मिथाइल प्रोपनामाइड। सो एन मिथाइल प्रोपनामाइड बन गया। बताओ भाई, सर थोड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, लास्ट वाला। एन सब्स्टिट्यूट अमाइड्स, एन मिथाइल प्रोपनामाइड, नहीं सर वो कंपाउंड में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, वैसा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। तो टॉटोमेरिज्म लिखा तो था अपन, टॉटोमेरिज्म को कर देंगे ना। पर ये दिख रहा है, हाँ उसमें भी थोड़ा सा दिख रहा है, ये वाला दिख स्क्रीन पे रहा है दिख सर, रहा है तो दिख सेकंड रहा है वाला। इसका मतलब नहीं, अगर मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखता है तो फिर मैं बोल दूंगा कि नहीं दिख रहा है इसका मतलब, फिर तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर मुझे नहीं दिखता है तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है, रुको मैं दूसरा एक साफ करने के लिए कुछ बोला। एक मिनट, मैं स्क्रीनर ही दिख रहा है। हाँ हाँ सर दिख रहा है सर, स्क्रीनर से वो जो आपने अब ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई बोलो, कुछ बोल रहे थे। हाँ वो मार्कर का, वो मार्कर अगर डार्क होता मार्कर भी दूसरा चेंज करो, तो मेरे ख्याल से वो काफी डार्क है, आपने पता। जो बोला अभी दिख रहा है, क्लियरिटी बताओ। सर आप थोड़ा और बड़ा लिखेंगे तो अच्छे से दिखेगा फिर। चलो ठीक है, इतना बड़ा तो लिखते ही नहीं। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते ना तो बोर्ड एक ही बार साफ करता हूं मैं 2.25 घंटे की क्लास में, है ना, मतलब 2.25 घंटे तक मैं बोर्ड साफ नहीं करता, समझ
जब क्लास खत्म हो जाती है तभी बोर्ड साफ करता हूँ बस कि भैया साफ कर देना, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही लिखता हूँ। चल देख फिर से देख लिख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। अपन ना कीटो एग्जाम की बात कर लेते हैं, ये ले अपने पास कीटो एग्जाम है, और कीटो एग्जाम मतलब ऐसे कीटोन से बनाते हैं अपन, और ये एन और ओ एच लिखते हैं अपन। अब कीटो एग्जाम में अपन ने कहा भाई एसिड होगा या फिर लुईस एसिड होगा, तो एसिड है लुईस एसिड है तो अपन ने कहा रीअरेंज करना है, तो मैकेनिज्म तो बाद में बात कर लेंगे, पहले रीअरेंज कर देंगे, इसके OH को इसको दे देंगे और इसके CH3 को इसको दे देंगे, तो बन जाएगा अपने पास कीटो। अब देखना इधर C2H5 आ गया, इधर C था, डबल बॉन्ड इधर N हो गया, इधर CH3 हो गया और इधर OH हो गया ऐसे, तो ये तो इनॉल बन गया। क्या बन जाएगा ये? इनॉल बन जाएगा ये। अगर ये इनॉल है तो अगर इसको टॉटमराइज करते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ बना देगा और हाइड्रोजन इसको दे देंगे, और हाइड्रोजन इसको देंगे तो कीटो इनॉल टॉटमरिज्म लिख देते हैं भाई, ये मैंने टॉटमरिज्म शो किया। अगर टॉटमरिज्म शो करेंगे तो विल गेट दैट C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ और NH और CH3 ये बन जाए। तो N पे मिथाइल है और प्रोपनामाइड है, तो N मिथाइल प्रोपनामाइड, ले भाई ये आ गया अपने पास, राइट। सो दिस इज एन मिथाइल प्रोपनामाइड, ये बन गया भाई अपना। तो अपन कहेंगे ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो अपन बता देंगे भाई ये रिएक्शन में ES पे अटैक करेगा, तो अपने पास ऐसे बनेगा पहले C2H5OH और CH3 और डबल बॉन्ड NOH बनेगा, ऐसे बताएगा H plus N के अटैक करने से। अगर ये बनेगा अपने पास H plus N के अटैक करने से, तो अपन कहेंगे भाई अब ये लीव भी कर सकता है क्योंकि इसके पास वैसे एक लोन पेयर भी था, तो अपन कहेंगे ये लीव करेगा, ये लीव करेगा तो विल गेट लाइक दिस C2H5 कार्बन है और इधर अपन CH3 लिख लेंगे, डबल बॉन्ड N कर लेंगे, लोन पेयर है और पॉजिटिव, तो अपन कहेंगे ऐसा नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है और पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अपन बोलते हैं कि भाई ये तो नाइट्रीन है, तो अपन कहेंगे नाइट्रीन वैसे अनस्टेबल होते हैं, तो इसमें अगर अपन देखेंगे तो नाइट्रीन बन रहा है, लेकिन नाइट्रीन अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, अपन कहेंगे ये बन तो सकता है लेकिन वापस क्योंकि बहुत अनस्टेबल है, तो पर इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में रहेगा ऐसे मतलब, लेकिन अगर अपन से कोई पूछेगा नाइट्रीन बनेगा तो हाँ कर देंगे, मना नहीं करेंगे अपन, लेकिन अपन कहेंगे कि इसको प्रोडक्ट जैसे कहेंगे इंटरमीडिएट जैसे बता दें, तो अपन कहेंगे हाँ बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ा सा बनेगा, लेकिन होगा क्या क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, अपन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो अपन कहेंगे इस वजह से क्या होगा कि ये जैसे जैसे लीव करेगा तो जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये CH3 इस पे माइग्रेट करेगा, मतलब जैसे जैसे ये लीव करेगा ये CH3 इस पे माइग्रेट करेगा, 1-2 शिफ्ट CH3 माइग्रेट करेगा, तो अपन कहेंगे भाई हमारे पास C2H5 आएगा, अपने पास पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो अपन कहेंगे इस पे ऐसे CH3 इस पे माइग्रेट करेगा, ठीक है। अब CH3 माइग्रेट करेगा तो इसमें मैं वाटर ऐड करूंगा और वाटर ऐड करूंगा तो ऑक्सीनेटिंग कर लेता हूं, यहां पर जो अपने पास आ रहा है उसको ऑक्सीनेटिंग कर देते हैं, ऑक्सीनेटिंग करूंगा तो आई विल राइट दैट C2H5C इधर OH18 वाला ऐड करूंगा, डबल बॉन्ड NCH3 ऐड करूंगा। अब तो अपन कहेंगे अब आप इसको टॉटमराइज कर लो, जब आप इसको टॉटमराइज करोगे तो प्रोडक्ट दैट इज अमाइड जो बनता है प्रोडक्ट वो बन जाएगा, तो अगर अपन इसे टॉटमराइज करें तो आई विल गेट द प्रोडक्ट एज C2H5 और C डबल बॉन्ड O बनेगा, ऑप्शन 18 होगा और ये NH और CH3 बनेगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो अपन इसमें बताएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स हो गया, N पे मिथाइल है तो मतलब N ये अमाइड है
और एम पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए अपन इसको एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन कर। अब अपन से पूछेंगे भाई नाइट्रीन बनेगा, हाँ कार्बोकैटायन बनता है, हाँ ये वाला ऑक्सीजन जो यहाँ पर है वही इस पे ऐड होना जरूरी है, नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन जो मीडियम में वाटर होगा अगर ये नहीं होता तो इसी वाटर को रिएक्ट करवा देता, क्योंकि आपने माइनस एच टू किया है ना, तो जरूरी नहीं है कि यही वाला वाटर रिएक्ट करे, अगर मीडियम में कोई दूसरा वाटर है तो वो भी रिएक्ट कर सकता है। तो अपन बता देंगे ये भी प्रोडक्ट बन सकता है अपने पास, और अपन बोल सकते हैं भाई टॉटोमेरिज्म के बाद बिल्ड करता प्रोडक्ट है। सो दिस इज द बेकमैन्स रीअरेंजमेंट ऑफ राइट ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। तो अपन इसे अमाइड का प्रिपरेशन मेथड बोल सकते हैं। सो दिस इज द अमाइड फॉर्मेशन। अब आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नाइट्रोजन के लोन पेयर पे एच प्लस जाने के बाद नहीं करेंगे? नाइट्रोजन के लोन पेयर पे वो कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन पे लोन पेयर है सर, और ये एच प्लस आइन इस पे क्यों नहीं गया, इस पे क्यों? तो मैं कहूंगा ये एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है और वो एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड था, इसलिए उसकी टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा थी। इस पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आके मतलब रुक जाएगा, ये अपन कहेंगे भाई H प्लस आइन अटैक करेगा तो अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आके रुक जाएगा, लेकिन इस पे अटैक करने से वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए वो भी एक पैरामीटर हो गया। वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है वहां पे, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और फिर वहां पे हम H2O डाल के वो ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा कुछ कर सकते थे अपन बात करें, लेकिन बस मेरी बात वही है कि भाई पहले वो अटैक कर ले अगर नाइट्रोजन पे तो अपना काम बन जाता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ OH है, और फिर तुम कह रहे हो कि फिर मैं ऐसे कर लेता, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई C2H5 होता CH3 होता, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और आपके पास ऐसे हो जाता। अब इस केस में क्या होता कि अब ये तो थ्री मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना लेता, ये तो थ्री मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना लेता, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन जब वाटर डालते तो तब तो ये ब्रेक हो जाता, हाँ पोलर इफेक्ट्स की वजह से ब्रेक हो जाता, तो इधर भी OH आ जाता और इधर भी OH आ जाता, ये बड़ी अच्छी बात होती फिर तो, लेकिन बस वही बात थी कि इस पे रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है उसके कंपैरिजन, क्योंकि ये ऑर्बिटल साइज छोटा होगा बिकॉज ये sp2 है और इस पे अटैक करने का रीजन है बिकॉज वो sp3 था, ऑर्बिटल साइज बड़ा था। ऑब्वियसली बात है जो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर जिसकी टेंडेंसी प्रोटॉन लेने की ज्यादा होगी अपन उसे पहले देंगे, जिसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी उसे बाद में रिएक्ट करेंगे, राइट? हाँ सर। और बताओ भाई किसी का कोई डाउट है तो? हो गया, चलो फिर अपन एक बात और लिखते हैं इसमें। अब एक बात देखो इसमें, जैसे अपन चेक करेंगे ना, आपने माइग्रेट किसको किया, CH3 को, जबकि माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, C2H पे, तो फिर CH3 को माइग्रेट क्यों किया? तो अपन कहेंगे हमने CH3 को इसलिए माइग्रेट किया बिकॉज इसके एंटी पोजिशन में जो ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, बिकॉज दैट विल बी लाइक एंटी एलिमिनेशन, ये जैसे जैसे लीव करेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड इधर ऐसे ये माइग्रेट करेगा। इसमें क्या होगा, ये जैसे जैसे लीव कर रहा होगा तो मैं अगर इस बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा तो इस बॉन्ड का इस बॉन्ड के साथ टॉर्सनल स्ट्रेन होगा और रिपल्शन होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को अपन टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो जैसे जैसे अपन इसको अगर यहाँ माइग्रेट करते तो उसमें क्या होता कि भाई इधर एक ही तरफ दोनों ऑर्बिटल्स थे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपेल करती, इसलिए इसका माइग्रेशन थोड़ा स्लो होगा, इसका माइग्रेशन फास्ट होगा, इसलिए। तो अपन इसको फिर वर्ड में लिख देंगे, वर्ड में अपन कैसे लिखेंगे, तो अपन कहेंगे रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों, इररिस्पेक्टिव ऑफ द माइग्रेटरी एबिलिटी, माइग्रेट वो करेगा जो OH के एंटी पोजीशन पे होगा, सो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक इज स्टीरियो स्पेसिफिक, है ना? तो अपन कहेंगे भाई रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों हो रहा है, तो अपन कहेंगे भाई उसका रीजन है
रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक इसलिए है बिकॉज द ग्रुप प्रेजेंट एट, है ना, ग्रुप प्रेजेंट एट एंटी पोजिशन ऑफ OH, पोजिशन टू OH विल माइग्रेट irrespective of the migratory ability, always migrate irrespective of the migratory ability. तो अपन कहेंगे मान लो सर मेरे पास ऐसे गिवन है तो आप क्या करोगे, फिर हम ये बताओ मेरे पास ये पीएच है और इधर मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ, अब तो सिन और एंटी नहीं लिख के बताया मैंने, तो अपन कहेंगे इस केस में अगर आप, ये तो पता था मुझे ये कीटो ऑक्साइम है और आपने इसमें एसिड ऐड किया तो ये तो पता है मुझे कि आप बेकमेंस रीअरेंजमेंट करोगे, तो फिर अपन दो प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बार अपन पीएच को रहने देंगे और सीएच थ्री को माइग्रेट करेंगे, तो इधर हुआ चाहेगा तो अपन क्या करते हैं फिर टॉटोपराइज करके डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देता हूं, एनएचसीएच थ्री बनेगा, और एक बार अपन पीएच को भी माइग्रेट करेंगे और पीएच को माइग्रेट करेंगे तो एनएच पीएच बनेगा, ऐसे बना देंगे, तो एक बार इसको माइग्रेट करेंगे, एक बार इसको माइग्रेट करेंगे, अगर आपने OH को एंटी पोजीशन में किसी के नहीं लिखा तो फिर अपन ऐसे प्रोडक्ट बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, तो फिर इस टाइप से प्रोडक्ट बताएंगे अपन. सर बोलो, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, दोनों इक्वल अमाउंट में बनाएंगे क्योंकि माइग्रेटरी एबिलिटी में अपन ये नहीं बता पाएंगे ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द माइग्रेटरी एबिलिटी हो गया ना इधर, तो अब टेंडेंसी टू माइग्रेट तो किसी का ज्यादा है ही नहीं ना, दोनों अगर ये रहा इसके अपोजिट में तो यही माइग्रेट करेगा, देयर इज नो टेंडेंसीज, अगर ये रहा अपोजिट में तो यही माइग्रेट करेगा, देयर इज नो टेंडेंसीज, तो दोनों इक्वल अमाउंट में बनाएंगे, ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आया? हाँ सर, आज यार थोड़ा लाइट दिख ही रहा है, पता नहीं क्यों, अभी भी मुझे मतलब ऐसे स्क्रीन पे मुझे दिखता है तो मुझे पता चल जाता है, अभी भी मुझे लाइट दिख रहा है, ये मतलब मुझे काफी लाइट दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है आज, जबकि रोज ऐसे नहीं होता था, रोज तो ठीक चलता था अपना, आज मुझे भी लाइव दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, अब अपन क्लास का टाइम वो नहीं करते हैं ना, अभी पढ़ ही लेते हैं, क्लास के बाद चेक करूंगा क्या बात, अच्छा ठीक है, दूसरा अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन इसमें, मान ले मेरे पास ऐसे दिखा, ठीक है, इसको रिएक्ट करता हूं मैं NiH2 के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड, आई गॉट इट, इसको रिएक्ट किया मैंने CrO3 इन एसिड, है ना, CrO3 इन एसिड, तो मुझे मिला B, B को मैंने रिएक्ट किया NH2OH के साथ, I got C, C को मैंने रिएक्ट किया एसिड के साथ तो I got D, और D को मैंने फिर वाटर के साथ थोड़ा सा हीट किया तो I got E, ठीक है, I got an E, the common name of E is Perlon, ठीक है, वो काफी कम दिख रहा है यार, Perlon है, PERLON, Perlon बन रहा है, तो चलो देखते हैं क्या बनता है, देखो भाई क्या कर सकते हैं अपन, वॉटर ए बी सी डी ई,
सर ए तो बेंजीन रिंग को रिड्यूस कर दिया मैंने। हाँ ये मैंने परलॉन्ग कहा ए ए बोला मैंने, वो बेंजीन रिंग के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अरे सॉरी रिड्यूस हो जाएगा। हाँ हाँ तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है, करो करो करो, बिल्कुल करो बेटा, और आंसर बताओ करो, और आंसर देखते हैं फिर क्या आ रहे हैं। देखना किसी के यहां से आवाज ज्यादा आ रही है। आ गया? हाँ सर। क्या बनाया? दो बने। दो बने। दो बन गए। तो ए तो अपन ने ये बनाया, मैं फाइनल प्रोडक्ट दो आया है, ऐसा उसमें से कौन सा होगा वो नहीं। चल ठीक है, देख लेते हैं। ये तो ये बन गया, ये तो ये बन गया, ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं, नहीं सर। और इसको रिएक्ट करोगे तो ये रिमूव होगा। तो अपन जैसे बोलते हैं ना, बेकमैन तो रीअरेंजमेंट, ओएच को कार्बन पे ले आओ और इधर एक माइग्रेट कर दो, इस वाले का, इस वाले को ऐसे माइग्रेट करूंगा तो ऐसे बन रहा है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन से ओएच अटैच हो गया और इधर आपने ऐसे बना रखा है और इधर कार्बन है सर, सही बनते हैं। टोटोमराइज कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर रिंग बन गया, तो मेरे पास डी ऐसे बन रहा है, ये डबल बॉन्ड ओ बना देता हूं, एनएच बना देता हूं और ऐसे बना देता हूं, ये तो साइक्लिक अमाइड हो गया, है ना, क्या बन जाएगा, ये साइक्लिक अमाइड बन जाएगा, और जो साइक्लिक अमाइड होते हैं ना, साइक्लिक अमाइड को अपन कहते हैं कैप्रोलेक्टम, उनको अपन लेक्टम्स बोलते हैं, साइक्लिक अमाइड इनको लेक्टम बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर साइक्लिक एस्टर होता तो साइक्लिक एस्टर को अपन लेक्टोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेक्टोन, साइक्लिक एस्टर को अपन कहते हैं लेक्टोन्स, तो साइक्लिक अमाइड को अपन लेक्टम्स बोलते हैं और इस कंपाउंड का नाम होगा कैप्रोलेक्टम, इस कंपाउंड का नाम होगा कैप्रोलेक्टम। अब कैप्रोलेक्टम में आपने फिर इसको, ये तो डी बन गया, अब इसका हाइड्रोलिसिस किया आपने, तो मतलब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑब्वियसली बात है वाटर के साथ वॉर्म करोगे तो ये NH2 और OH बनेगा, तो मेरे पास बना कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना लेता हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन एटम, तो CH2 मेरे पास 4 और 1 ऐसे लिख लेते हैं,
ये पांच सी एच टू हो गए और एक एन एच टू बन गया, ये बन गया। इसको थोड़ा हीट कर दो तो विल गेट द पॉलीमर। पॉलीमर होगा तो व्हाइट लिंकेज होगा पॉलीमर में भाई, ये दूसरे मॉलिक्यूल ना ऐसे, दूसरे मॉलिक्यूल का जो एनएच होगा इसी को पॉलीमर में लिख देता हूं। सी डबल बॉन्ड है, OH है, सी एच टू होल फाइव हो गया और एनएच ऐसे बना देते हैं, एच ओ सी डबल बॉन्ड हो और बाकी बनाऊंगा और इधर भी एनएच और एच और इधर बनाऊंगा, तो इधर से ही वाटर हटाता हूं, इधर से ही वाटर हटाता हूं, तो ऐसे अपन को एक पॉलीमर मिल जाएगा। मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, ये लेफ्ट टर्म वगैरह जो लिखा हुआ है इसको हटा लेते हैं अपन, तो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखेगा अपन को। ये सी एच टू होल फाइव आ जाएगा और एन एच टू आ जाएगा, और यहां भी अपन कहेंगे भाई ये एन एच एक हाइड्रोजन तो आप रिमूव करने वाले हो, सो एच सी एच टू होल फाइव आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और ओ एच आ जाएगा। ऐसे तो अपन हटाने वाले हैं, इसको अगर अपन देखेंगे तो वाटर हटने के बाद ये अमाइड लिंकेज बन गया, ये भी वाटर हटने के बाद अमाइड लिंकेज बन गया। तो क्या बोलते हैं अपन इसे, नाइलॉन सिक्स, नाइलॉन सिक्स बन गया। लो भाई मैंने नाइलॉन सिक्स बना, so this is nylon 6, तो इसमें पॉलीमर भी बना सकते हैं nylon 6 जिसमें caprolactam intermediate बनता है। so that is about the nylon 6, तो ये इसका एक application हो जाएगा कि nylon 6 अपन इससे बना सकते हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम थे, तो अगर 6 कार्बन एटम है तो nylon 6 हो जाएगा, ठीक है भाई, and that nylon 6 is called perlon। ठीक है भाई, से दैट हां बोलो। ये हमने जो बैकमैन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म लिखा था उसमें हमने तो पानी ऐड किया था ना पहले ही, पानी बाहर से अपन ने ऐड किया था वो बताने के लिए, अगर ऐड नहीं करूंगा तो जो पानी आपने हटाया है उसी को ऐड कर दूंगा। अच्छा, तो मैंने ये बताने के लिए कि अगर अपन से कोई पूछे कि कार्बोकैटायन बनता है तो हां करने के, ठीक है, समझ में आया ना? हाँ ठीक है, तो दूसरा चेक करते हैं। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म वी कैन राइट फॉर दूसरा जो कंपाउंड होगा जिसके लिए अपन को लिखना है ना, दूसरा देख लेते अपन, दैट इज द बियर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में व्हाट वी कैन राइट एज, अच्छा एक और बात था ना कि अगर मान लो जैसे अपन ने लास्ट टाइम केटोक्सेन लिखे ना, अगर मान लो मेरी मर्जी में तो एल्डोक्सेन लूंगा, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है भाई, ये एल्डिहाइड से बना होगा ना ऑक्सीजन, तो ये एल्डोक्सेन, अगर एल्डोक्सेन होगा और इसको अपन H+ आयन से रिएक्ट करेंगे ना, ये इस पर अटैक करेगा वाटर टैंगे पर, तो इसके माइग्रेट होने की वजह मतलब राधा देन कि वो माइग्रेट हो, प्रोटॉन बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप वो लीव ही कर जाएगा, प्रोटॉन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो वो लीव कर जाएगा, अगर वो लीव करेगा तो क्या बनेगा अपने पास, साइनाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो बेंजोनाइट्राइड बन गया फिर, तो मतलब जो भी है नाइट्राइल विल बी फॉर्म, या तो आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसलिए जनरली हम एल्डोक्सेन प्रेफर नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन का लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छा होता है एज अ प्रोटॉन, तो अगर एज अ प्रोटॉन लीव कर गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर इजिली और साइनाइड
काफी स्टेबल होगा तो वो इजीली साइनाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, ये अपना प्रोडक्ट। अब बियर विल, सो इसलिए अपन ने एल्डोक्साइम्स नहीं लिया। अगर एल्डोक्साइम होंगे तो अपन ये नहीं बोल सकते कि नहीं होगा रिएक्शन, रिएक्शन तो होगा, बट द नाइट्राइल्स आल्सो, अपन ये नहीं कहेंगे कि रिएक्शन नहीं होगा। बियर विल अगर ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास कीटोन्स होंगे, इनको किसी भी पैरासिट से रिएक्ट करो तो ये एस्टर्स बनाएंगे, और अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और इसको पैरासिट से रिएक्ट करूंगा अगर, तो फिर ये एसिड्स बनाएंगे, ये प्रोडक्ट्स होंगे। राइट, अब ना मुझे पता है क्या लग रहा है, लाइट दिख, ये जो लाइट दिख रहा है ना अपन को, इसका रीजन मुझे लगता है विंडो से रिफ्लेक्शन है। मुझे लग रहा है कर्टेन जो है हैवी तो है, लेकिन फिर भी उनसे लाइट आ रही है, मुझे जो लग रहा है ये वो जो लाइट दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बड़ा लिख रहे ना तो अभी दिख रहा है, अभी ठीक है चलेगा। चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा क्या करूंगा ना, नहीं इससे तो बड़े लिख रहा था यार पहले, लेकिन मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार आज हो क्या गया, मतलब तो मुझे खुद भी नहीं, मतलब लाइट दिख रहा ना, तो जब मुझे लाइट दिखता है तो इसका मतलब तुमको भी लाइट दिख रहा है, अगर मुझे नहीं दिखेगा तो तुमको भी नहीं दिखेगा, तो मैं स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है इसका मतलब तुम्हें भी दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइट का ही प्रॉब्लम है। कर्टेंस रखो, ठीक है मैं करता हूँ, या तो लाइट इसमें रूम में इंक्रीज, इस पर लाइट इंक्रीज कर दूंगा या कर्टेन को वैसे कर दूंगा, तो अपन क्या करेंगे। हाँ, अब इसमें क्या करना होता है कि एनी पैरासिट्स का मतलब है कोई भी पैरासिट्स, अपन H2O2 भी ले सकते हैं, H2S2O8 भी ले सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे पैरासिट्स भी लिखे हैं अपन ने, पैरासिटिक एसिड भी लिखा है, परबेंजोइक एसिड भी लिखा है, ट्राइफ्लोरो पैरासिटिक एसिड भी लिखा हुआ है, परबेंजोइक एसिड भी लिखा हुआ है, और मेटाक्लोरो उस टाइप के भी अपन ने एसिड लिखे हुए हैं, मेटाक्लोरो वगैरह, वो पैरासिट मतलब एनी पैरासिट, कोई भी पैरासिट ले सकता है। तो अगर कीटोन है ना मेरे पास, जैसे मान लो अपन को ऐसे के बने, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे के बने, तो जब भी आप किसी पैरासिट्स को रिएक्ट करोगे ना, तो पैरासिट्स ऑलवेज गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना होता है, हर बार इस मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन ऐड करना होता है। ये तो अपन को पता चल गया कि अगर कीटोन में ऑक्सीजन ऐड करूंगा इस तरफ या इस तरफ तो एस्टर बन जाएगा। तो पैरासिट में अपन को ये चेक कर लेना है कि किसका माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा है, इसका या इसका, किसका माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा है। जिसका माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा होगा, वन का अगर ज्यादा होगा तो इस तरफ ऐड कर देंगे, अगर टू का माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा है तो इस तरफ ऐड कर देंगे। तो अपन कहेंगे भाई टू का माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा है, तो ठीक है उस तरफ ऐड कर दो और उधर बता दो आप, क्योंकि लार्जर द एल्काइल ग्रुप मोर इज द माइग्रेटरी एबिलिटी, वो आपका प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं यही चीज एल्डिहाइड में करता, सपोज मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, तो हम सबको पता है कि मतलब माइग्रेटरी एबिलिटी हाइड्रोजन का CH3 से ज्यादा होता है, और ये बेयर वेलेगर में माइग्रेटरी एबिलिटी स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे, जिसका माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी माइग्रेट करेगा, और अगर हाइड्रोजन ज्यादा इजीली माइग्रेट करेगा और उस तरफ वो ऑक्सीजन लिखा तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अच्छा फिर अपन ऐसे लिखें तो फिर क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, ये गिवन है, ऐसे दे रखा है मुझे और ऐसे दे रखा है H2O8
तो फिर बताओ कि मतलब कहां पर किस तरफ ऐड करूं मैं ऑक्सीजन को, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? लेफ्ट में। तो अपन ऑक्सीजन को ऐड करेंगे लेफ्ट में, क्योंकि बड़ा एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटेबिलिटी ज्यादा होता है, तो अपन कहेंगे ऐड कर दो। ये लो भाई एक्स्ट्रा बन गया अपने पास, ऐसे ऐड कर दो। वो सिक्स मेंबर ड्रिंक है, अपन को पता है कि दैट विल बी सिक्स मेंबर ड्रिंक, अपन ने तो वैसे लिख लिया राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई कैसे माइग्रेटरी एबिलिटी से अपन चेक करके बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं होता। माइग्रेटरी एबिलिटी चेक करनी होती है हमें बस। इवन अगर अपने पास कोई डाइकेटोन है ना ऐसे, अगर अपने पास कोई डाइकेटोन है ऐसे, तो डाइकेटोन में वी कैन राइट दैट अगर अपन इसे पैरासिट से रिएक्ट करेंगे तो वी कैन से दैट फिर माइग्रेटरी एबिलिटी अपन इधर एसिटाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा होगा एल्काइल ग्रुप से, एसिटाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा होगा इसका कोई भी एक ले लेंगे अपन, तो एसिटाइल ग्रुप का और इसका अज्यूम कर लेते हैं, तो इसका माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा होगा। कई बार अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि माइग्रेटरी एबिलिटी जैसे एल्काइल ग्रुप्स है ना, तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज बना लो जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे तो उसका माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा रहा होगा। तो आप ऐसे भी बता सकते, आप ऐसे करके बता सकते थे कि भाई कहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। ये भी एक तरीका होगा आपको माइग्रेटरी एबिलिटी कैलकुलेट करने का कि किसका माइग्रेशन ज्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही मैं अगर मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखूं और इस पे पॉजिटिव चार्ज लिखूं और तुमसे बोलूं कि बताओ कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो अपन कहेंगे इसमें तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, इसके लोन तो उसकी माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए अपन ऐसे बता सकते हैं दैट इज ऑल द माइग्रेशन। तो तब तो एनहाइड्राइड भी बन जाएंगे फिर, तो बिल्कुल बन जाएंगे अगर उसमें ऐसे डबल बॉन्ड एक और इधर लिख दो, तो अपन को पता बीच में ऑक्सीजन लिखना होता है राइट। तो उस टाइप से भी बेयर विलेगर में क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं, या अपन से ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास, मान लो मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ऐसे एक कंपाउंड गिवन है, ये है वो कंपाउंड, और मैंने आपसे कहा कि इसका ओजोनोलिसिस करो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो अपन कहेंगे भाई इसका मतलब है आप इसको O3 से रिएक्ट करोगे पहले और उसके बाद आप इसको H2O2 से रिएक्ट करोगे, यही तो करोगे। तो अगर आप इसका पहले ओजोनोलिसिस करोगे तो ये बनाओगे, ये बनेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से। भाई कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड बनता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, तो अपन उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो अपने पास यही कंपाउंड यहां बन रहा है और मुझे पता है H2O2 वहां पर प्रेजेंट है, तो अगर ऑप्शन में ये गिवन है तो मैं प्रोडक्ट यही बताऊंगा, ये नहीं गिवन है तो ये प्रोडक्ट होता है, क्योंकि मैं इसके बाद बेयर वेलेबल करूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अपन थोड़ा ध्यान रखें। सर मतलब डिफरेंस ये है ना कि इधर हमने वाटर नहीं डाला लास्ट में और हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में वाटर लिखते हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अपन वाटर लिखते हैं, लेकिन आपने तो सीधा H2O2 लिख दिया। हाँ ठीक है ना, तो इसलिए अपन ने इसको ऐसे बता दिया, दिस इज बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वी कैन राइट एज इसमें अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं दैट इज रेफरमेस्ट की रिएक्शन।
मैथ्स के लिए ऑप्शन, रेफर मैथ्स के रिएक्शन। तो रेफर मैथ्स के रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे, या कीटोन होंगे, और उनको अपन रिएक्ट करेंगे पहले, राइट? ये अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन ट्रीटेड विद अल्फा ब्रोमोनेस्टर। जब अपन इनको अल्फा ब्रोमो एस्टर्स से रिएक्ट करेंगे ना, तो पहले अपन रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ ईथर में, और फिर अपन रिएक्ट करेंगे एच प्लस एन के साथ, तो विल गेट दैट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बनेंगे, देख लेते हैं। मेरे पास कोई भी क्यों बनो एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आपने दोनों ही बता रखे हैं। अगर मैं इसको अल्फा ब्रोमो एस्टर से रिएक्ट करूंगा तो बीआर ले लेता हूं, अल्फा ब्रोमो एस्टर का मतलब ये एस्टर हो गया, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वही अल्फा होता है। सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, इसकी जगह कोई सी एस थ्री पी एच वगैरह भी लिख सकते हैं। अल्फा ब्रोमो एस्टर को अगर मैं जिंक के साथ रिएक्ट करूंगा तो आई विल गेट दैट जिंक आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, जिंक इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक अगर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इधर अटैक करवाएंगे, बीआर को लीव करेंगे, बीआर को लीव करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। तो अगर बीआर लीव करेगा तो एक ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाता, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जाता, बदले में दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे ना जिंक से, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, दूसरा उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। I will get like this. Now, this is a nucleophile. ये nucleophile है। अब ये nucleophile attack करेगा delta positive charge. तो we'll get like this. अगर वो बनेगा तो we are going to write that CH3 CO negative लिख लेते हैं, और ये तो एच है, राइट? सो आई विल राइट दैट इट इज सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, ये बना दूंगा, राइट ना? अपन ऐसे बना सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको फिर एच प्लस आइन से रिएक्ट करवाया, तो लिखूंगा भाई CH3 CH, इधर OH बन गया, और CH2 C डबल बॉन्ड OET बन गया। ये अल्फा है, ये बीटा है, सो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें अल्फा ब्रोमो एस्टर्स कुछ सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, हमें बस ये चेक करके रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन को अगर अल्फा ब्रोमो एस्टर से रिएक्ट करोगे तो रेफर मास्ट के रिएक्शन की बात कर रहे हो। वी आर बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, हम बता सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये रेफर मास्ट के लिए। Next we can write is, अब और जो रिएक्शन हैं वो जनरली अपन से कम ही पूछते हैं, बट एल्डोल कंडेंसेशन अपन से ज्यादा पूछते हैं। अदरवाइज देयर आर मेनी रिएक्शन, जैसे अपन टिशन को रिएक्शन भी होता है, टिशन को रिएक्शन में, राइट ना? टिशन को रिएक्शन में विल से दैट वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, हमारे पास एल्डिहाइड्स होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है,
एल्डिहाइड विथ द अल्फा डोनेट, इसको हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट करेंगे. एल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम और उसको एल्युमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट करेंगे. तो विल गेट एन एस्टर, तब अपन को एस्टर बोलेंगे. अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है CH3C डबल बॉन्ड हो और इसको एक मोल और मतलब दो मोल रिएक्ट करने पड़ते हैं एल्डिहाइड के, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. तो अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है और इसको एल्युमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट करें अपन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस. इसमें दो कार्बन एटम है, इसमें दो कार्बन एटम है, मतलब मुझे एस्टर बनाना है. मुझे एस्टर बनाना है जिसमें टोटल चार कार्बन एटम हो, दो एक तरफ और दो एक तरफ. तो ये बन जाएगा ऐसे, दो हो गए उस तरफ और एक तो ये ऑलरेडी है तो एक और हो गया, तो दो इस तरफ. मतलब इसको कंसिडर करके बोल रहा हूं मैं कि इस तरफ. तो दैट विल बी द एस्टर विच विल बी फॉर्म. रिएक्शन में बहुत ज्यादा अपन को मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें पता है एल्युमिनियम एथॉक्साइड इज अ, ये सिर्फ इसी रिएक्शन में यूज होता है एल्युमिनियम एथॉक्साइड, और वो लुईस एसिड है. लुईस एसिड होगा तो विल से दैट अगर हम लुईस एसिड से रिएक्ट करेंगे एल्युमिनियम एथॉक्साइड तो ये लोन पेयर पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा. वैसे इसके मैकेनिज्म की अपन को जरूरत नहीं थी, बस आपको पता होना चाहिए एल्युमिनियम एथॉक्साइड से क्या रिएक्शन करना है. OET ultrase, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव लिखेंगे अपन, इधर हाइड्रोजन लिखेंगे. ये दूसरा मॉलिक्यूल है जो यहां पर प्रेजेंट है, और इस मॉलिक्यूल में इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, विल गेट लाइक दिस. तो अपन कहेंगे इस केस में अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे हो जाएगा CH3CO ALOET whole thrice, इस पे नेगेटिव चार्ज है. अब इस पे दो लोन पेयर आ गए तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे फिर तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा. तो ये ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन डोनेट किया था, इसने ये ऑक्सीजन जो था यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको डोनेट किया था, तभी तो ये शिफ्ट हुआ. और अगर डोनेट करेगा तो एक ही लोन पेयर बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, कार्बन हो गया, इधर अपन CH3 लिख सकते हैं और H लिख सकते हैं, ये बन गया. पर कहेंगे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो और ये कैटलिस्ट है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है. तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड को ऐसा शिफ्ट करने के लिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को इस पर माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करेगा तो कार्बन के तो पहले से चार बॉन्ड थे तो पाई बॉन्ड अपन शिफ्ट कर लेंगे. तो मेरे पास जो कंपाउंड बना वो था CH3C डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन बना और इधर कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन जो माइग्रेट करके आया, CH3 पहले से था और ये H, ये बन गया आपके पास वो प्रोडक्ट. मैकेनिज्म मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कोई अगर पूछेगा देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइडाइन, बिल्कुल होता है भाई. अपन को अगर पूछा जाए कि भाई कपलिंग हुआ कैसे, दोनों जुड़े कैसे, ये तो अपन को समझ में आ रहा था कि भाई सी डबल बॉन्ड एक तो सेफ है, दूसरा ऑक्सीजन आपने इससे अटैच किया तो अटैच हुआ कैसे होगा, वो थोड़ा सा अपन ने चेक कर लिया कि हाइड्राइडाइन का माइग्रेशन होता है. अदरवाइज अपन कहेंगे भाई एल्युमिनियम एथॉक्साइड पूरा केमिस्ट्री में एक ही जगह यूज होता है, और रोटेशन का रिएक्शन, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें. आफ्टर टेशन का रिएक्शन वी कैन राइट दैट, पहले अपन थोड़े कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मतलब अब
बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत कम मतलब रिएक्शन होंगे जो अपन से पूछे जाएंगे। तो अपन एल्डर कंडेंसेशन की बात करें, एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शंस में मोस्टली अपन को आइडिया तो होता ही है व्हाट इज एल्डर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मींस कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ, कभी भी कोई भी कंडेंसेशन प्रोडक्ट अगर अपन को बताना है तो दैट विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक कोई एक छोटा मोटा मॉलिक्यूल रिमूव होना चाहिए, जैसे H2O हो गया, H2S हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, ROH हो गया, इस टाइप से एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव होता है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव करना है, तो जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले नाइलॉन 6 बनाया था पानी को हटा के, मतलब जो अपन दो मॉलिक्यूल को कपल कर रहे थे तो अपन पानी को हटा रहे थे, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि नाइलॉन 6 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। एक एडिशन पॉलीमर होता है, एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एडिशन पॉलीमर में कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, कंडेंसेशन पॉलीमर में मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा। तो अब अपन कहते हैं भाई कंडेंसेशन रिएक्शन में, और कंडेंसेशन रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेसेस, दैट इज डाइल्यूट बेसेस, बट ऐसा नहीं है कि एसिड में नहीं हो सकते, एसिड में भी होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन जनरली कैरिड इन डाइल्यूट बेसिस। उसमें अपन NaOH भी लिख सकते हैं, KOH भी लिख सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस में अपन को डाइल्यूट बेस लेना होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं एल्डर कंडेंसेशन। तो अपन कहते हैं भाई कि अगर मान लो कोई एक मॉलिक्यूल LDHD जो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, सो LDHD विद अल्फा हाइड्रोजन एटम विद अल्फा एच एटम, LDHD और कीटोन तो नहीं लेंगे, वो दूसरे LDHD से रिएक्ट करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक के पास होना कंपलसरी। तो इसको अपन अगर डाइल्यूट बेस से रिएक्ट करेंगे, NaOH से रिएक्ट करेंगे, तो विल गेट एल्डर प्रोडक्ट एज लाइक दिस, दिस विल बी द एल्डर प्रोडक्ट। सो इसको अपन LDHD प्लस एल्कोहल प्रोडक्ट बोल देंगे। और अगर मान लो अपन तो ये एल्डर प्रोडक्ट हो गया, और इसमें से अगर आप वाटर को एलिमिनेट करोगे, चाहे आप हीटिंग करके कर दो या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल के कर दो, तो अगर आप यहां से वाटर रिमूव करोगे, इस OH को हटाओगे, तो डबल बॉन्ड यहां भी बना सकता हूं, डबल बॉन्ड यहां भी, लेकिन यहां वाला डबल बॉन्ड हमेशा कंजुगेशन में होगा। तो अपन कहेंगे भाई CH3CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH बनेगा, ये बॉन्ड, ये अपना प्रोडक्ट होगा। और अपन बता सकते हैं व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट। ये एल्डोल प्रोडक्ट है, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, क्योंकि अपन ने वाटर को रिमूव कर दिया ना, तो जब छोटा सा मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो अपन उसे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलेंगे, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब
इसमें अपन को ये पता था कि भाई अगर जो रिएक्शन अपन लिख रहे हैं यहां पर, तो पहले ये इससे रिएक्ट करेगा, जो इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम है उससे रिएक्ट करके एनायन बनाएगा पहले। NaOH से रिएक्ट करेगा तो अपन कहेंगे OH माइनस आयन पहले इससे एनायन बना लेगा। ये एनायन जो बनेगा यहां पर वो एनायन अपन कहेंगे भाई इट विल रिएक्ट विद डबल बॉन्ड OH, ये इस पर अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये इससे रिएक्ट करेगा तो विल गेट लाइक दिस भाई CH3 है, सी इस पर अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज बन गया, इस पे एक हाइड्रोजन है और उस कार्बन से ये CH2 अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें फिर उसके बाद जो वाटर अपन ने रिमूव किया था यहां से, जो यहां पर अटैक करके एनायन बनाया, तो माइनस H2 तो किया ही था अपन ने, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा दैट इज CH3 CH, एक OH बन गया, एक CH2 एक C डबल बॉन्ड OH बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट व्हाट विल बी फॉर्म, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अ इनर प्रोडक्ट। और डिहाइड्रेशन करेंगे तो वी नो दैट कि इस तरफ ही करेंगे जिस तरफ कॉन्जुगेशन बनेगा। इस केस में जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा उसको अपन रीडिटरमाइन स्टेप बोलेंगे, जो भी रिएक्शन है जिनमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करता है उसको अपन रीडिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। So, ये अपना रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अगर मैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लेता हूं देन दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस डेल्टोल प्रोडक्ट। अगर मैं डिफरेंट एल्डिहाइड लूंगा तो क्रॉस डेल्टोल, या कीटोन भी लूंगा तो भी उसे अपन एल्डोल प्रोडक्ट ही बोलेंगे। अगर मैं कीटोन भी लूंगा तो भी अपन बोलेंगे कि भाई एल्डोल प्रोडक्ट है ऐसे। इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करवाया तो एनायन बना के उस एनायन को इस पर अटैक करवा दिया, तो आई विल गेट दिस एज एल्डोल प्रोडक्ट। मैं इसको भी एल्डोल ही बोलूंगा जबकि ये एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसे ड्यू टू द मैकेनिज्म अपन इसे एल्डोल बोलते हैं, ये एल्डोल प्रोडक्ट। और कंडेंसेशन के लिए अपन डबल बॉन्ड बनाते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज एल्डोल प्रोडक्ट। सर मुझे इधर पूछना था कि जब बुक वगैरह में इसका मैकेनिज्म लिखा होता है तो वो लोग इनोल फॉर्म से डबल बॉन्ड का अटैक करवाते हैं, कार्बन आयन का नहीं करवाते, तो मतलब कुछ ज्यादा फर्क है क्या? तो इनोल फॉर्म से करवा लो क्या प्रॉब्लम? सर मतलब वो इनोल फॉर्म में लेके फिर उसको डबल बॉन्ड को अटैक करवाते हैं, वो बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो ये बन गया इनॉल फॉर्म, अब बताओ क्या करो। हाँ इसको अटैक करवाओ बताओ। अब वो लोग मतलब हमने कार्बन आयन का अटैक दिखाया ना कार्बोनाइल ग्रुप पे, हाँ। तो जब प्रिंटेड लिखा होता है तो वो इनॉल फॉर्म मतलब वो डबल बॉन्ड को अटैक करवाते हैं, कैसे करेंगे डबल बॉन्ड अटैक, ये तो बताओ मुझे। सर न्यूक्लियोफिलिक, मतलब तुम कह रहे हो कि ये डबल बॉन्ड बना हुआ है और मैं इस पर अटैक करवा रहा हूं, इस डबल बॉन्ड को इस पर अटैक करवा रहा हूं। हाँ सर। कैसे? सर मैंने मतलब ऑब्जर्वेशन है MS चौहान में भी जब सॉल्यूशन जहां पे लिखे हुए वहां पे हर जगह जहां पे एल्डोल का सॉल्यूशन है उसमें ऐसा ही अटैक है, इसलिए पूछ रहा था। चलेगा, मैं तो पूछ रहा हूं तुमसे कि भाई कैसे मतलब क्या करें अपन, तो आप कहीं भी लिखो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ। नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल कहां पर है? कार्बन पे, वही अटैक करेगा। जब कम स्टेबल होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी ना? हाँ सर। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो अटैक करेगा। अब वो ये कर रहा है अपन से कि आप ऐसे मत बनाओ, आप ऐसे बना लो क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा स्टेबल है तो ऐसे बना रहेगा, हाँ राइट।
तो वो अपन को ये बता रहा है कि अब जब ये ऐसे आएगा ना, तो ये वाला बॉन्ड जो है ना इधर का, ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट के, मतलब ये बॉन्ड टूट के इधर, ये इधर ऐसे ही रहेगा, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके अपन इसको दे देते हैं, वही तो किया अपन हाँ सर ने, है ना? तो वही किया अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अपन कहेंगे भाई हमारे पास क्रॉस डेल्टा कंडेंसेशन होगा, क्रॉस डेल्टा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अपन कहेंगे अगर क्रॉस डेल्टा का मतलब है तो डिफरेंट एल्डिहाइड्स को यूज करो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या दो डिफरेंट कीटोन को यूज करो। तो अपन कहेंगे ठीक है, मेरे पास ये एल्डिहाइड है और दूसरा एल्डिहाइड ये है मेरे इसमें, अगर कोई अपन से पूछेगा कि इसको मैंने डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करवाया और हीट नहीं किया, हीट करूंगा तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, और हीट नहीं करोगे तो एल्डिहाइड कंडेंसेशन एल्डल प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे हीट करोगे तो वो डबल बॉन्ड बना देगा। तो अपन कहेंगे भाई फिर तो मेरे पास चार प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक बार मैं ऐसे लिखूं, मैंने इसी टाइप के मॉलिक्यूल से इसी टाइप में रिएक्शन करवा दिया तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसी टाइप के मॉलिक्यूल से इसी टाइप के मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करवा दो तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बन जाएगा अगर उसी टाइप के मॉलिक्यूल को उसी टाइप के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवा दो, विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। इसका एनायन बना के इस पर अटैक करवा दे तो ये बन जाएगा। इसका एनायन बना के इस पर अटैक करवाते हैं तो ये बन जाएगा। अब देख लो, इसका एनायन बना दिया, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, इसका एनायन बनाया और इस पर अटैक करवा दिया, देखो ये प्रोडक्ट बन गया। इस वाले का OH बन जाएगा, बना दिया और ये इससे अटैच हो जाएगा, राइट। और वो दूसरा वाला कैसे बना, कौन सा वाला, सेकेंड वाला प्रोडक्ट, इसका एनायन बनाओ और इसी पे अटैक करवा दो, कैसे कैसे अटैक करेंगे? लो ये एनायन बन गया, ये इसका एनायन बन गया और इस पे अटैक करवा दिया तो ये बन गया अपने पास। ठीक है सर, ठीक है। ये लो भाई बड़ा बन गया, इसका एनायन बना के इस पर अटैक करवा दो, ये बन गया। अब इसका एनायन बना के इस पर अटैक करवा दो, इसका एनायन बना के इस पर अटैक कर पाया, तो ये बन जाएगा। ये चार प्रोडक्ट बन गए फिर तो अपने पास। देख लो अगर किसी को कोई डाउट है तो, किसी प्रोडक्ट को बना के दिखाना है मुझे तो तुम बता दो, मैं बना के भी दिखाता हूँ सर। ये बना के दिखा दो, मेरे पास चार प्रोडक्ट बने। अब ए बी सी और डी, तो अगर अपन से पूछते कि भाई इसके रिएक्शन से नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, इसमें काइरल सेंटर है, डीएल हो गया,
इसमें दो कायरल सेंटर है, चार हो गए, इसके दो बने, इसके चार बने, इसके दो बने, एक ही कायरल सेंटर है। इसमें फिर दो कायरल सेंटर है, चार इसके बन गए, मतलब चार इसके, चार बी, ए से दो, बी से चार, सी से दो और डी से चार, बहुत ज्यादा बन गए ना। ये पॉसिबल है, तो ये तो एल्डर प्रोडक्ट्स है। एल्डर प्रोडक्ट, अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो मुझे इतने सारे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इनमें से ये बताओ कि इन दोनों के रिएक्शन से जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा है। तो अपन कहेंगे इन दोनों में से अगर मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बताना है कि भाई सारे नहीं पूछे, मैंने तो ये पूछा है कि व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, बस ये पूछा, तो मैं ये बता दूंगा। डी वाला, डी वाला इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो अपन कहेंगे मुझे बनाना कैसे है ये बताओ। अब देखो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, अब तो एक ही कंसेप्ट याद रखते हैं बस, सारे कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारा एक ही कंसेप्ट होगा। जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शन आप मुझे बताओगे मेरे पास कंसेप्ट एक ही होगा। इन दोनों में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा किस पे, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, डेल्टा पॉजिटिव का या डेल्टा पॉजिटिव डैश का? डेल्टा पॉजिटिव का। डेल्टा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा पॉजिटिव डैश, इसका मतलब है प्रोडक्ट आप जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इससे क्रॉस प्रोडक्ट, इसका एनायन इस पे अटैक करेगा, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एनायन उस पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर एनायन इस पे अटैक करेगा दूसरे से एनायन बना लो, कंडेंसेशन रिएक्शन करना है। जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पे एनायन अटैक करेगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल से आप एनायन बना लो और अपना क्रॉस प्रोडक्ट बना दो। इस पे अटैक करेगा तो दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये बताया मैंने। सो दिस इज एल्डोल क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर ऑफ पॉसिबल एल्डोल प्रोडक्ट तो अपने 12 आ रहे थे, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। एनायन तो दोनों से बन जाता, एनायन तो दोनों से बनता, इससे भी बनता और इससे भी बनता, और दोनों ही केस में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ऐसे बन जाता। और अगर अपन से पूछते भी कि भाई इन दोनों में से ज्यादा इजीली कौन सा बन जाएगा तो बता देते ये वाला, क्योंकि इसका इनोल ज्यादा स्टेबल है। तो एनायन में, और अपन को पता है कि रिएक्ट ये वाले एनायन थोड़ी, ये ऑक्सीजन से थोड़ी रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन से करवाते हैं, इसका इनोल भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और जब ये डिलोकलाइज होकर कार्बन पे आएगा तो नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा अनस्टेबल बन रहा है। तो ये 2 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री, मतलब इन दोनों में से अगर रिएक्टिविटी पूछोगे इसकी ज्यादा, इनोल किसका ज्यादा स्टेबल बन रहा है इसका ज्यादा, तो एनायन इसी से बना। अब अगर एनायन बन गया तो अपने पास पता है, अगर इसका एनायन भी ज्यादा स्टेबल है, इनोल भी ज्यादा स्टेबल है, एनायन भी इजीली बन रहा है, तो फिर ज्यादा रेट के लिए अपन को क्या चाहिए, इन दोनों में से ज्यादा इजीली एनायन किसका बन जाएगा,
इसका, क्योंकि इनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब इनॉल बन गया, अब अटैक करना है ना इनको, तो दोनों में से ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, किसके पास, तो अटैक करवा दो, क्योंकि ज्यादा रेट के लिए यही तो चाहिए, जल्दी से एनायन बन जाए और जल्दी से वो एनायन अटैक कर ले, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो। तो जितने भी एल्डोल रिएक्शन करेंगे अपन, कंडेंसेशन रिएक्शन, उन सब में एक ही पार्ट चेक करेंगे अपन, कंडेंसेशन है तो दो कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो हमें बस एक ही पार्ट चेक करना है कि दोनों में से किस कार्बोनिल ग्रुप पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एनायन उसी पे अटैक करेगा, तो इस पे ज्यादा है मतलब एनायन इस पे अटैक करेगा, तो दूसरी तरफ से एनायन बना, ठीक है। सो एनायन अटैक्स ऑन कार्बोनिल ग्रुप विच हैज मोर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। लो भाई, इसके अलावा मैं एल्डोल में कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं, कोई भी रिएक्शन लिखो, चाहे आप क्लिंशन एस्टर बोलो, क्लिंशन स्मिथ बोलो, चाहे परकिन कंडेंसेशन बोलो, कोई भी बोलो आपकी मर्जी, चाहे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल बोलो, कुछ कोई भी कंसेप्ट यही रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल मुझे पता चल गया, तो आप कोई भी दे दो मैं बता दूंगा क्या करना। मान लो मेरे पास ऐसे और मुझे इससे रिएक्ट करवाना है, डाइल्यूट एनियोच, हीट भी कर लो, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसका, एनायन इस पे अटैक करवाना, इस पे एनायन अटैक करोगे तो उसका ओएच बन जाएगा और इसका कार्बोनिल ग्रुप सेफ रहेगा, तो ठीक है CH3COH बना देता हूं और CH2C डबल बॉन्ड CH3 बना देता हूं, लो बन गया। और अगर हीट किया है आपने तो मैं इसको माइनस H2O कर देता हूं, सो CH3CH डबल बॉन्ड C H और C डबल बॉन्ड CH3, ये अपना प्रोडक्ट बन गया, लो भाई प्रोडक्ट भी आ गया। सर ये, हाँ बोलो, अगर एक में अल्फा एच एटम नहीं है क्रॉस्ड में और एक में है जिससे हम एनायन बना के दूसरे पे अटैक करवा रहे, तो उसे फिर सोचने की जरूरत क्या है, फिर सोचना क्या है ये तो बताओ, अल्डोल ही बोलेंगे ना उसे भी। हाँ अब इसमें तो सोचने के लिए कुछ है ही नहीं ना, मैं बोलूं बताओ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, उसमें क्या सोचना, इसका एनायन बन ही नहीं सकता। हाँ सर, अब इसका एनायन नहीं बन सकता तो अपन तो फिर सोचते नहीं, फिर तो फिर, और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें सोचना भी नहीं पड़ता, ये तो अपन काफी अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका एनायन बनाओ, उस पर अटैक करेगा, इसका एनायन बन ही नहीं सकता क्योंकि अल्फा है नहीं, अल्फा एच, तो प्रोडक्ट लिख देंगे अपन भाई, अपने पास आ गया इसका प्रोडक्ट, मतलब डाइल्यूट एनियोच है और हीट भी कर देते हैं, तो ठीक है, पीएच CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये लो प्रोडक्ट बन गया सिनेमाल्टी 8। अगर मेरे पास ऐसे क्या करें, इसको रिएक्ट करूंगा इससे, डाइल्यूट एनियोच और हीट, आई गॉट इट, इसको रिएक्ट करूंगा इससे, डाइल्यूट एनियोच और हीट, तो भी बताओ क्या बनेगा, तब आपको बी बताना है क्या करेगा।
ये तो बन गया। ये तो बन गया। बी क्या बनाया? अब इन दोनों में से अपन को डिसाइड करना कि एनायन किसका बनेगा। तो अपन कहेंगे इस पे और इस पे अगर चेक करूंगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि इस पे कॉन्जुगेशन मिस बनेंगे। तो इसका एनायन बनाएंगे, इस पे अटैक करूंगा और हीट भी किया है तो ऐसे बना। ये प्रोडक्ट बना। दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये प्रोडक्ट ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट था रिएक्शन। सर नीचे वाले में एनायन क्यों बनाया? इसमें इस वाले से क्योंकि इधर बीजो में लिखे ना ऐसे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा ना। इसमें बीजो में नहीं है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अच्छा तो हाँ ठीक है, तो जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एनायन उस पर अटैक करेगा, यही तो लिखा हमने। और दूसरा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो यही करेंगे हमेशा। तो ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है भाई, चलो एंड करो। थैंक यू।